किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं रफी भाई के पास। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें हम आपको चलाकर दिखाएंगे। गाय का कितना रेट है, कितने दूध की गाय है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। अगर आपने इनसे गायें खरीदनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे संपर्क करके आप इनसे गायें खरीद सकते हो। पंजाब में गायें बेचने का काम करते हैं, पंजाब से ऑल इंडिया को गायें सप्लाई करते हैं। अगर अच्छी ब्रीडेड गायें खरीदनी है वो भी मिल जाएगी, अगर आपने क्रॉस गायें खरीदनी है वो भी मिल जाएगी, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आइए रफी भाई से बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में अपने काम के बारे में वो आपको बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मालवा फार्म सब्सक्राइब नहीं किया तो मालवा फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पंजाब से जो पशु सेल होकर बाहर जाते हैं या पंजाब में जो पशु सेल के लिए अवेलेबल है उनकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, आप तो कैसे हो? ठीक हो भैया? बहुत बढ़िया। आज कितनी गाय सेल कर रहे हो? टोटल सर हमारी 25 गाय जा रही है, 25 गाय जा रही है। कहाँ के लिए? गाँव में से एक गाड़ी गाँव में से लोड करनी है, 15 जहाँ से लोडिंग करनी है। कहाँ के लिए? औरंगाबाद फलमरी के लिए जा रही है सर। कस्टमर खुद आए थे? कस्टमर खुद आए थे सर। एवरेज रेट क्या रहेगा? एवरेज सर 50,000 से लेकर 70-75 का रेट है सर। और एवरेज दूध? दूध एवरेज सर मान लो 20 लीटर से लेकर 25-30 लीटर तक है सर। दूध की गारंटी होगी? दूध की सर गारंटी होगी, अगर देखो कुछ टेम्परेचर का भी हिसाब होता है, ठीक है सर, कुछ खाने पीने का भी हिसाब होता है, जैसे जैसे सूटेबल करती जाएगी वैसा वैसा दूध देती जाएगी। बाकी सर आपको भी नॉलेज है, हम चाय का हिसाब होता है, जितना चाय में गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा। तो घर तक पहुंचाने की सारी जिम्मेवारी आपकी? बिल्कुल सर, हमारी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी सर घर तक पहुंचाने की, डॉक्यूमेंट वगैरह एक नंबर का काम करके देंगे यूनियन का, ठीक है सर, जो भी भाड़ा लगेगा इनको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी भी नहीं आएगी रास्ते में सर। तो गाय चलाकर दिखा दीजिए। हाँ जी सर। पहले कौन सी गाय चलाओगे? पहले ये गाय चलाते हैं सर। ये गाय कौन सिलेक्टेशन में? ये सर अभी दूसरे व्यात में है, दांतों में 6 दांत है सर मुँह से। क्या दूध की गाय रहेगी? दूध सर आदमी ने तो बोला 28 लीटर, ठीक है सर, हमने 25 लीटर मान के दिए है और बिक्री के लिए लेके दिए सर। ये गाय दिए सर 1.59, 1.60 में, और गाय की क्वालिटी देखो सर, हाइट वजन देखो, हेल्थी देखो सर, आंचल की एंचल का गैप देखो सर, ठीक है, अभी 15-20 दिन की कच्ची है, अभी ऑर्डर बढ़ाएगी सर। आदमी ने तो बोला 28 लीटर पर हम 25 लीटर मान के देंगे गाय को। अभी सर क्रॉस ब्रीड में है सर, अभी प्योर ब्रीडिंग में नहीं है, क्रॉसिंग में आ गई सर ये गाय। और गाय की शाइनिंग देखो सर, अभी तो नहलाई धुलई नहीं है, इसीलिए गाय ऐसी लग रही है, जब नहलाई हुई ना तो चमक देखना सर, हाइट वजन देखो सर, वजूद देखो, ठीक है, क्वालिटी देखो, अभी 15-20 दिन की कच्ची है सर, अभी ऑर्डर इतना बढ़ेगा। जे गाय कौन सिलेक्टेशन है? जे फर्स्ट ब्यात में है सर, ये क्रॉस में है सर। दांतों में 4 दांत है सर, और क्वालिटी देखो, अभी छोटी हाइट आ गई, हाइट छोटी है पर वजूद वाली गाय है, ठीक है सर, फेस क्वालिटी देखो है, सिंगड़ी है थोड़ी सी सर, क्वालिटी भी देखो और वजन वजूद भी देखो, थोड़ी सी हाइट में थोड़ी सी छोटी लग रही है, वैसे क्वालिटी में भी है, बढ़िया है, और दूध की कैपेसिटी मान लो अभी 20 लीटर से ऊपर नहीं जाएगी, 18-20 लीटर ही दूध देगी, है क्रॉस में है सर, और फैट भी इसकी 4.5 आएगी। क्या रेट में सेल करोगे? ये सर 65,000 में लेके दिए। ये गाय कौन सिलेक्टेशन में? ये फर्स्ट ब्याज में है सर। ब्याई हुई है गाय? हाँ जी ब्याई हुई है, मुँह से 2 दांत है, बछड़ा है सर इसके नीचे। दांतों में 2 दांत है सर, और वजन देखो सर, आंचल का गैप देखो, दूध घीस है अभी नीचे इसके नीचे सर, 8-10 लीटर घीस है, ताजी भी आई हुई है, कल की जनी हुई। पूरा दूध क्या कर जाएगी? हाँ जी सर। क्या दूध कर? दूध आदमी ने तो बोला है 30 लीटर, हमने 25 लीटर मान के लिए सर, क्योंकि अभी फर्स्ट वे आदमी है सर। क्या रेट में गाय जी? ये सर 80 में लेके दिए सर, और गाय की क्वालिटी देखो सर, आपको ही मालूम है, इतनी अच्छे अच्छे बछड़ी कहाँ पर मिलेगी 80 में। आदमी ने तो बोला 30 लीटर पर हमने 25 लीटर मान के दिया, किसान के घर की गायें हैं सर, ठीक है, प्योर ब्रीडिंग है, बछड़ा देखो, इसके बछड़े की क्वालिटी देखो, फेस क्वालिटी देखो गाय की भी, ठीक है सर, और वजन देखो सर, इसका हाइट देखो, ठीक है सर, हाइट भी मेरे कंधे से ऊपर जाती है। जे गाय कौन सिलेक्टेशन में? ये सर दूसरे व्यात में है, इसके भी मान लो 5-6 दिन बाकी है। दांतों में 6 दांत है सर। क्या दूध की गाय रहेगी? दूध सर 30 लीटर बोला है पर हमने 22-23 लीटर मान के दिए सर, जो बोलेंगे जेनुइन बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे सर। क्या रेट में गाय दी? जे सर 70,000 में लेके दिए सर, है क्रॉस में है सर, और गाय की क्वालिटी देखो, आंचल देखो सर, ठीक है, फेस क्वालिटी देखो, थोड़ी सी हाइट छोटी है और वजन वजूद वाली गाय है,
और क्योंकि क्या गारंटी दी है, है? दूध की क्या गारंटी दी है? दूध की गारंटी सर आदमी ने तो 28 लीटर बोला है, पर हमने 22-23 लीटर मान के दिए सर, भी तेरे घर पे जाके 22-23 लीटर दूध निकालेगी निकालेगी सर, ठीक है मान बोलने के, अगर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा, निकाल तो 25 लीटर भी देगी सर, फैट भी इसकी अच्छी आएगी सर। क्या फैट आएगी? फैट सर 4-4.5 रुपये फैट आएगी सर इसकी। जे गाय कौन सिलेक्टेशन में? जे गाय भी दूसरे ब्याह में सर ब्याई हुई है, जे भी ब्याई हुई है, दूध व्यापार के लिए सर, इनको जो गाय पसंद आएगी ना वो छोड़ते नहीं है। बच्चा क्या है साथ में? बच्चा इसके पास बछड़ी है सर। दांतों में 6 दांत है सर। क्या दूध की गाय रहेगी? ये दूध सर 20-22 लीटर निकालेगी सर, पहले ब्याह में इसने निकाला है 17-18 लीटर निकाला है, और अभी 20-22 लीटर निकाल देगी सर, क्योंकि क्या रेट में लेके दी? जी सर 65 में लेके दिए सर। गाय ब्रीडिंग में है सर, अगर ब्रीडिंग का दाम बोलेंगे तो ब्रीडिंग का लगेगा सर, अगर जो क्रॉस का होता है क्रॉस का दाम लगेगा, जो चीज़ ब्रीड में होगी उसको ब्रीड में बोल के देंगे, जो क्रॉस में होगी उसको क्रॉस में बोल के देंगे सर। और आपको ही मालूम है आजकल अभी तो रेट डाउन है सर अभी, ठीक है, गुजरात की वजह से गाय का रेट बहुत कम है, क्योंकि ना गुजरात अभी चालू नहीं है, जब स्टार्टिंग होगा गाय देखना रेट देखना कितना बढ़ रहा है, अभी कम से कम महाराष्ट्र वालों का भी बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है गाड़ी के पीछे। नमस्कार भाई, नमस्कार, क्या हाल है? अच्छा है। पहले अपना नाम और एड्रेस बता दो। मेरा नाम है काका साहब कापरे पाटिल, मैं संभाजीनगर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कब आए थे रफी भाई के पास? परसों आया था। कितनी गाय खरीदी? मैंने 9 गाय खरीदी। पहले भी आए हो या पहली बार आए? तीसरी बार आया हूं अभी। तो जो पहले गाय लेके गए थे कितने दूध वाली गाय लेके गए थे? तो 20-25 लीटर तक। जितना इन्होंने बोला उतना दूध निकला? हाँ निकला, ज़्यादा निकला थोड़ा बहुत। इस बार गाय कितने दूध की ली हैं? इस बार भी वही जो पहले लेके गए वही 20-25 तक। रेट कैसा मिल गया? रेट तो है 60-70-80 तक। अच्छा लगा रेट? हाँ। जैसा इनके पास सोच के आए थे वैसा मिला? हाँ, मिला ना मिला वैसे। कोई धोखेधड़ी वाला काम तो नहीं लगा? नहीं, धोखेधड़ी वाला नहीं। और कोई और किसान भाई इनके पास आना चाहता हो बेचिन तो क्या सकते हैं? तो बेचिन तो आ सकते हैं, क्योंकि अच्छे आदमी है। जो सौदा करते थे आपके सामने किया सौदा? सामने तो हमने खुद ने सौदा किया, वो तो बाजू में खड़ा था। ठीक है, उसका कुछ नहीं। तो नमस्कार भाई। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है। पहले अपना नाम और एड्रेस बता दो। मेरा नाम संदीप राउत, संभाजीनगर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। कब आए थे रफी भाई के पास? हम गुरुवार के दिन आए थे रफी भाई के पास। कितनी गाय खरीदी? हमने 9। पहले भी आए थे या? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हम। फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम। कैसी गाय मिल गई? भारी। और रेट कैसा लगा इनका? रेट अच्छा लगा। कोई धोखेधड़ी वाला काम तो नहीं लगा? नहीं, कोई धोखेधड़ी नहीं। रहने सहने का प्रबंध आपका कैसा किया? अच्छा किया, ट्रेन से। इनके पास जो रखरखाव किया? इनके पास बोले तो इनके पास रहने का। हाँ, इनके साथ सब इनके तरफ ही रफी भाई के पास। कोई इसका एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी सर, आपने हमारी सभी गाय देख ली है, और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको जिस किसी भाई को भी गाय चाहिए ऐसी, ऐसे रेट वाली, जेन्युइन रेट वाली, और व्यापारी को चाहिए, किसान को चाहिए, हमारे पास 8-10 गाय सेल के लिए अवेलेबल रहती है सर, ठीक है। और जिस भाई को भी किसान के थ्रू गाय लेनी है, किसान के थ्रू मिल जाएगी। अगर जिसको ये नहीं कि हमारा क्रॉसिंग का काम है, ब्रीडिंग का भी काम है, ब्रीडिंग पे ही काम करते हैं सर, क्योंकि व्यापारी के हिसाब से होता है, जब व्यापारी ब्रीडिंग मांगते हैं तो ब्रीडिंग दिलाते हैं, अगर जो क्रॉसिंग मांगते हैं क्रॉसिंग दिलाते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।